सत्तू का लिट्टी बनाने के लिए हमने देखिए सत्तू लिया है लगभग 250 ग्राम। और इसके बाद हरी मिर्ची को बारीक काट लें। उसका देखिए हरी मिर्ची को काटेंगे, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, जमाइन मंगरेला, नींबू और ये आम का अचार का मसाला रहता है मसाला तेल, और प्याज इस तरह से पतला पतला काट लेंगे, और ये बारीक कटा हुआ लहसुन, ये सारे सामान को हम सत्तू में मिलाएंगे अच्छी तरह से। अचार का मसाला हमने डाल दिया है, अब इसमें हम मिर्च लेंगे बारीक कटा हुआ, लहसुन जो काटा था हमने, प्याज, अजवाइन मंगरेला, और नमक स्वाद अनुसार, और नींबू स्वाद अनुसार, लगभग 1 टेबल स्पून हमने नींबू लिया है। अब इस सब सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाकर अच्छी तरह से इसे हम मिलाएंगे। देखिए इस तरह से ये देखिए सत्तू देखिए हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आटा की तैयारी करेंगे लिट्टी बनाने के। एक चुटकी जमाइन ले लिया था हमने और एक चुटकी सोडा ले लिया। और रिफाइंड लेंगे 3-4 बड़े चम्मच लिया है। स्वाद अनुसार नमक लेंगे आटे में, इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस तरह से आटा हमने मिला लिया अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाकर आटे को अच्छी तरह से हम गूंदेंगे। थोड़ा कड़ा ही आटा को गूंदना रहता है, तो इस तरह से आटे को गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाकर अच्छी तरह से इसे गूंदेंगे। इस तरह से आटा हमने तैयार कर लिया। देखिए कड़ा है थोड़ा। अब हम सत्तू लिट्टी तैयार हो गया। इसी तरह से सारे आटे का गोल इस तरह से तैयार करते जाएंगे। सारी लिट्टी हमने तैयार कर लिया। अब हम तंदूर ओवन को हम गरम कर लिए 15 मिनट कम से कम। इसे हम गरम करेंगे। गरम होने के बाद अब इसमें धीरे धीरे कर केक लिट्टी इस पे डालेंगे।
से हमने सारी लिट्टी को रख दिया। अब इसे हम ढक देंगे। इसे हम ढकने के बाद इसे हर दो दो मिनट के बाद देखते रहेंगे। इसे हम धीरे धीरे करके सारी लिट्टी को हम पलटेंगे। देखिए इसे हम पलट कर फिर दो मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे। देखिए इसे अभी देखिए हमारा लिट्टी तैयार हो रहा है। इसे हम इसीलिए दो दो मिनट से पलटते रहेंगे। चोखा बनाने के लिए आलू बैंगन का फ्राइड चोखा बनाने के लिए हम मिर्च लहसुन को हल्का मोटा करके चूर लेंगे और मिर्च को काट लें और धनिया पत्ता और दो तीन टमाटर हम लेंगे। और आलू तो हमने चूर लिया था और बैंगन को इस तरह से चूर लें। कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें हम थोड़ा दो तीन टेबलस्पून तेल लेंगे। तेल लिया है हमने, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे, हाफ टेबल स्पून। जीरा जीरा फ्राई हो चुका है। अब इसमें लहसुन और हरी मिर्च को हल्का फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को हल्का फ्राई करेंगे कुकर में। इसे हम दो सीटी लगाएंगे, कुकर में डालकर दो सीटी लगाएंगे। आप कीड़े को अच्छी तरह से देख लीजिए, कीड़ा वगैरह ना रहे बैगन में। इस तरह से दो सीटी लगाएंगे। बैगन और आलू का फ्राई चोखा बनाने के लिए बैगन को हम देखिए इस तरह से उबाल लिया है, दो सीटी कुकर में लगाकर काट कर और आलू को उबाल लिया। अब इसे हम हल्का हल्का इस तरह से इसे तोड़ेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये फ्राई है तो सब्जी में मतलब फ्राई चोखा में ये अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा देखिए इस तरह से तोड़ेंगे। जैसे आलू को हम तोड़ेंगे, इस तरह से देखिए आलू को हमने पूरी तरह से इस तरह से आलू को हमने इस तरह से देखिए चूर लिया हल्का हल्का। अब हम बैगन को छीलेंगे, ये जो ऊपर वाला परत है इसे हम देखिए इस तरह से धीरे धीरे निकाल लेंगे। इसे सारा निकाल कर इसे हम हल्का चूर देंगे। इसे भी बैगन को छिली को इस तरह से इसे निकाल कर चूर देंगे। बस निकाल कर देखिए बैगन आलू टमाटर देखिए जब फ्राई हो गया इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे। ठीक
फ्राई हो गया है। अब इसमें बैंगन डालकर फ्राई करेंगे। इसे हल्का छूट लेंगे। बैगन अच्छी तरह से देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसमें आलू डालकर फ्राई करेंगे। अब इसे हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। देखिए चोखा तैयार हो गया है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे। ये हमारा बैगन आलू चोखा फ्राई हो चुका है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब लिट्टी को हम घी में इस तरह से डुबो डुबो कर निकालेंगे। इस तरह से लिट्टी को भी मेरे वार वार के निकाल लिया है। अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। हमारा लिट्टी चोखा प्याज और फ्राई मिर्ची